गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसक्रिप्शन के सेकेंड सेशन में मिल रहे हैं और इसमें हम किस तरह से जो है डीएनए के टेम्पलेट पे ट्रांसक्रिप्शन होता है या आरएनए का सिंथेसिस होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे डीएनए का एक ही टेम्पलेट जो है आरएनए के सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होता है, दूसरा नहीं यूटिलाइज होता। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपसे बोलना चाहेंगे कि आप वर्ड बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और उसके बेल आइकन को जो है आप दबाओ, जिससे कि जो है आपको नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलता रहे अपकमिंग वीडियोस के बारे में। इसके अलावा जो है आप वर्ड बायोलॉजी 95.wordpress.com को फॉलो कर सकते हो, या आप जो है वर्ड बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com को भी जो है आप फॉलो कर सकते हो। और इस पर जो है भी आपको जो है जो न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं वो सारे जो है आपको मिलेंगे। waterbiology95-elearn.blogspot.com पे जो है आपको पुराने वीडियोस तो नहीं मिलेंगे, बट जो है आज के बाद के जो वीडियोस होंगे वो आपको जो है इस blogspot.com पे, जो कि एक ब्लॉगर साइट है, इस ब्लॉगर साइट पर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप जो विजिट कर सकते हो फेसबुक पेज पे www.facebook.com/rajivranjan157198, जो कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से ही है, और इस पर जो है आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको जो है और भी बहुत सारे जो है बायोलॉजिकल इवेंट से रिलेटेड जो है मटेरियल्स मिलेंगे, जो कि आपको बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में जो है आपको आपके दिमाग में आपके दिल में जो है इंटरेस्ट क्रिएट करते रहेंगे। तो फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन पार्ट टू में, जो पार्ट टू में क्या हमें देखना है। देखो, ट्रांसक्रिप्शन जो है इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन विच अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। जीन एक्सप्रेशन का ये पहला स्टेप है। ध्यान दो, पीछे भी हमने सेंट्रल डॉगमा देखा हुआ था। सेंट्रल डॉगमा में हमने देखा था कि डीएनए जो है अपने डुप्लीकेट का फॉर्मेशन करता है, रेप्लिकेशन करता है, और रेप्लिकेशन करने के बाद उसी डीएनए से जो है फर्दर जो है आरएनए ट्रांसक्राइब होता है, और आरएनए से जो है प्रोटीन जो है सिंथेसाइज होता है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होता है। दैट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। यहाँ पर जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप है, जब डीएनए या सिस्ट्रॉन के जो कोड्स हैं वो आरएनए के रूप में ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, जहां से आरएनए जो है एंजाइम फॉर्मेशन के लिए जो है फर्दर जो है आगे प्रोसीड करता है। तो डीएनए जो है एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में जो है आरएनए को जो है सिंथेसाइज करता है। इसमें डीएनए का केवल एक ही जो है टेम्पलेट यूटिलाइज होता है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, सो द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यूटिलाइज फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए। आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, दोनों में बेस पेयर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और जो है डीएनए का एक सेगमेंट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है आरएनए, और जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है आरएनए का उसी पर जो है आरएनए जो है ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए सिक्वेंसेज जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू जो है रीड किए जाते हैं, और जो है उसको एंटी पैरेलल डायरेक्शन में आरएनए स्ट्रैंड को जो है सिंथेसाइज किया जाता है, जिसे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के नाम से जानते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसा आरएनए जो कि नॉन फंक्शनल होता है, जिसकी फर्दर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग की जाती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो है उसे फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो जब होता है तो उसमें थाइमिन पाया जाता है, थाइमिन जो है यूटिलाइज होता है, लेकिन जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए का, तो वहां पर जो है ए के अगेंस्ट थाइमिन यानी एडेनिन के अगेंस्ट थाइमिन ना आकर के यूरेसिल आता है, जिससे कि जो है आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है
इसमें एक और खास चीज होता है, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम सिग्मा एंड रो फैक्टर्स। ये जो सिग्मा फैक्टर है ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, क्योंकि जो है ये सिग्मा फैक्टर के साथ ही जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है वो उसी के साथ जो है प्रमोटर डीएनए जो होता है वो जो है बाइंड अप होता है। जान दो प्रमोटर डीएनए के और जो है टर्मिनेटर डीएनए, प्रमोटर डीएनए, ये दो तरह के डीएनए के जो है सीक्वेंसेस को जो है यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रमोटर क्या है और टर्मिनेटर क्या है, इसको भी अभी हम देखेंगे। तो कैसे होता है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो आप, ये जो है जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में जो है दिस पॉइंट इज, ये वो पॉइंट है जो कि प्रमोटर रीजन कहलाएगा डीएनए का, ठीक है, और ये वो पॉइंट है जो कि जो है टर्मिनेटर रीजन कहलाएगा, यानी इसी प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के बीच में ही जो है आरएनए का सिंथेसिस होता है। आप इसको जो है एक दूसरे डायग्राम से समझने की हम कोशिश करते हैं, तब आपको जो है समझ में आएगा। लुकिए, दिस इज द प्रमोटर, ये प्रमोटर है, ठीक है, और यहां पे ये जो है टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर को हम स्टॉप सीक्वेंस भी कहते हैं, यानी ये वो पॉइंट है प्रमोटर से लेकर के जो है टर्मिनेटर तक के बीच का जो पोर्शन होता है डीएनए का वही ट्रांसक्राइब होता है। और जैसे प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है और जैसे ही जो है टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचता है या स्टॉप सीक्वेंस पर पहुंचता है, आरएनए का सीक्वेंसिंग जो है या आरएनए का सिंथेसिस जो है वो स्टॉप कर देता है। तो हमें इसी चीज को जो है एक बार फिर से देखना है कि कैसे ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि जो है जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें एक सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक है, और सिग्मा फैक्टर जो होता है उसी के थ्रू जो है डीएनए का प्रमोटर रीजन जो है आरएनए पॉलीमरेज से जो है जुड़ता है। तो सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, और दूसरा होता है रो फैक्टर। रो फैक्टर जो है उसको बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज को जो है रो फैक्टर जो है टर्मिनेटर रीजन के साथ, और जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे रो फैक्टर जो है बाइंड अप होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को जो है स्टॉप कर देता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो प्रमोटर रीजन से लेकर के टर्मिनेटर रीजन तक ही चलता है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन बबल्स के थ्रू जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दो, हमने जो है रेप्लिकेशन में भी देखा था कि रेप्लिकेशन बबल्स बन रहे थे जो वाई फॉर का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक उसी तरह से यहां पर भी ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है, क्योंकि जो है आरएनए का जो सिंथेसिस होगा उसके लिए जरूरी है कि जो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है वो अनपेयर्ड हो जाए। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा, डीएनए का जो डबल हेलिक्स होगा उसको अनपेयरिंग होगी, ठीक है, अनपेयरिंग के लिए वही एंजाइम जिम्मेदार होता है जो वहां पे था अनवाइंडेज, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा और दोनों डीएनए के सीक्वेंसेस जो होंगे, दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होंगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और उसी समय आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के जो है प्रमोटर रीजन से सिग्मा फैक्टर के थ्रू जो है जुड़ता है, और जो है सिव शुगर फॉस्फेट बैकबोन के थ्रू जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करता चला जाता है, और जो है जैसे जैसे आरएनए स्ट्रैंड्स बनता है वैसे वैसे आरएनए और डीएनए के बीच में जो है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती रहती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता रहता है, और फाइनली जैसे जैसे बबल्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो बॉन्ड्स टूटते जाते हैं और जो है डीएनए के हेलिक्स के जो है आपस के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते चले जाते हैं और आरएनए जो है अलग होता चला जाता है। और जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे जो है पहुंचता है जो है आरएनए पॉलीमरेज, रो फैक्टर जो है उसे रिकॉग्नाइज करता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को जो है स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, और जो है आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस से जो है साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाता है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से जो है रेप्लिकेशन में जो है हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन हो रहा था, ये चार्जिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो रहे थे ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ठीक उसी तरह से आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी न्यूक्लियो जो राइबोसाइट्स होते हैं उनकी चार्जिंग होती है, वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में आते हैं और फिर उसके बाद उनके फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस जो है यहाँ पर भी जो है फॉलो होता है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है इसके भी जो है तीन मेजर स्टेप्स होंगे, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन,
तो इनिशिएशन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और देखो यहाँ पे जो है दो स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे हैं, कोडिंग स्ट्रेंथ एंड टेम्पलेट स्ट्रेंथ। पहले तो इन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि कोडिंग स्ट्रेंथ क्या है और टेम्पलेट स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, देखो जो टेम्पलेट स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसपे आरएनए ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसपे आरएनए जो है ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, ये जो है हमारा टेम्पलेट स्ट्रेंथ है, इसी पे जो है आरएनए जो है सिंथेसाइज होगा। ठीक है, आरएनए सिंथेसाइज इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होगा। ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसे इस पे जो है आरएनए सिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, इस पे आरएनए सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, इस कोडिंग स्ट्रैंड को एक और नाम से हम जानते हैं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जैसा यहां कोडिंग है उसके अगेंस्ट। इसके अलावा इसे हम बोलते हैं नॉनसेंस स्ट्रैंड। अब ये इसे नॉनसेंस क्यों बोलते हैं, जब आरएनए इसी पे जो है ट्रांसक्राइब हो रहा है तो इसे हम नॉनसेंस क्यों बोल रहे हैं और इसे हम जो है सेंस क्यों बोल रहे हैं, यह भी हमें जानना है कि जब हम टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ही आरएनए सिंथेसाइज होना है तो इसे सेंस बोला जाना चाहिए था, क्योंकि ये यूटिलाइज हो रहा है, बट इसे हम नॉनसेंस क्यों बोलते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये कोडिंग स्ट्रैंड ऑलमोस्ट सिमिलर होता है मैसेंजर आरएनए के, क्योंकि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो है यूटिलाइज सिंथेसाइज होता है, सिवाय ये कि जो है यहां पर थाइमिन के जगह पे यूरेसिल के जगह पे थाइमिन होता है। तो इसीलिए हम इसे कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि एमआरएनए में जो कोड्स होते हैं वही जो है इस डीएनए के इस स्ट्रैंड में कोड होते हैं एक्सेप्ट यूरेसिल, और यही कारण है इसे हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। और इसे हम नॉनसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं जिस पे जो है आरएनए का सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, और चूंकि टेम्पलेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस टेम्पलेट पे ही जो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, इसलिए इसे हम नॉन टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन टेम्पलेट नॉनसेंस ये कोडिंग स्ट्रैंड ये जो नाम दिए जा रहे हैं ये जो है इनके पीछे जो है कोई ना कोई एक मकसद है, कोई ना कोई एक जो है ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो है आरएनए का इनिशिएशन हो रहा है, दिस इज द प्रमोटर रीजन एट वेयर द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द आरएनए सिंथेसिस जो है ये आकर यहां पे अटैच हो। ठीक है, तो ये इनिशिएशन था। इनिशिएशन के बाद जो है आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहां पे आप जान लो कि आरएनए पॉलीमरेज में जो है के जो कोर फैक्टर कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर ये दोनों मिल करके जो है कंप्लीट एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, और जो है सिग्मा फैक्टर जो है वो कोर आरएनए पॉलीमरेज के कोर एंजाइम के साथ जब जुड़ जाता है तब जो है आरएनए पॉलीमरेज को होलो एंजाइम के रूप में जाना जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर रीजन के साथ डीएनए के प्रमोटर रीजन के साथ जो है कनेक्ट होता है सिग्मा फैक्टर के थ्रू, ये ऑलरेडी जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है इनिशिएट करता है, और इनिशिएट करने के लिए जो है डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत होती है। जो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत होती है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं वो फर्दर जो है मीनवाइज जो है यूटिलाइज होते हैं, और यूटिलाइज होने के बाद जो है वो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करते हैं। यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इसको देखो, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को अगर हम देखें तो ये देखो ये 5-3 हो गया और ये जो है 3-5 हो गया। अब चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि चाहे रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, ऑलवेज डन इन द 5-3 डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो 3-5 होगा, देखो यहाँ पे
ये हमारा टेम्परेचर स्टैंड है, इस टेम्परेचर स्टैंड को देखो, ये क्या है, ये 3-5 और इसमें जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ये 5-3 हो रहा है, ये इलोंगेशन को शो कर रहा है। जैसे ही सबसे पहले जो है सिंपल उसी तरह से जो है एंजाइम्स यूटिलाइज होंगे, हेलिकेज एंजाइम यूटिलाइज होगा, डीएनए स्टेबलाइजिंग प्रोटीन यूटिलाइज होगा ताकि जो है डीएनए के स्ट्रैंड्स को जो है अनट्विस्टेड एंड सेपरेट रखा जा सके जैसा रेप्लिकेशन में हो रहा था। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो है सिग्मा फैक्टर के साथ कंबाइन होकर होलो एंजाइम को फॉर्मेशन करेगा, होलो एंजाइम का जो सिग्मा फैक्टर होगा वो डीएनए के प्रोमोटर रीजंस को बाइंड को रिकॉग्नाइज करके बाइंड अप होगा, और आरएनए पॉलीमरेज जो है जो चार्ज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको ले आकर के जो है फास्फेट शुगर बॉन्डिंग के थ्रू जो है जोड़ता चला जाएगा, और इनके बीच में जो है बेस पेयरिंग होती जाएगी। इस बेस पेयरिंग के लिए यूटिलाइज हो रहा है क्या, जो चार्ज न्यूक्लियोटाइड्स के जो है ट्राइफॉस्फेट कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर है वो, ठीक है, और ये जो है नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आते जा रहे हैं वो इनके साथ जो है यूटिलाइज होकर जो है कनेक्टेड होता जा रहा है। जैसे जैसे जो है आरएनए ट्रांसक्राइब होता जाएगा वैसे वैसे जो ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा और आरएनए जो है अलग होता जाएगा और डीएनए के जो दोनों सीक्वेंसेस होकर पीछे के वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्योंकि जो है डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी आगे बढ़ेगा और इसके साथ साथ जो है हेलिकेज भी आगे बढ़ता चला जाएगा। फाइनली जैसे ही ये टर्मिनेटर रीजन आएगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे ही ये टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचेगा तो टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचते ही जो है क्या होगा कि जो रो फैक्टर है वो रो फैक्टर जो होगा वो क्या करेगा, वो रो फैक्टर जो है रिकॉग्नाइज करेगा जो है टर्मिनेटर रीजन को, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो वहां से अलग हो जाएगा और आरएनए का सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगा। यहाँ पे हम पहले ही आपको बता दिए कि जो है आरएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन का जो डायरेक्शन होता है वो 5-3 होता है या 5'-3' होता है, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम 5-3 एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ध्यान दो जो पीछे हमने बता दिया पहले ही आपको दैट थाइमिंस आर रिप्लेस्ड विद यूरेसिन, पूरा का पूरा वही होता है जो डीएनए में था, बस अंतर ये होता है कि थाइमिन के जगह पे यूरेसिल हो जाता है और शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज की जगह पे राइबोज होता है। तो इस तरह से इलोंगेशन होता जाएगा और फाइनली जैसे ही जो है टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो रो फैक्टर है, रो फैक्टर उसे रिकॉग्नाइज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा और आरएनए जो सिंथेसाइज हुआ था वो भी अलग हो जाएगा और डीएनए के जो दोनों टेम्पलेट होंगे, दोनों स्ट्रैंड्स होंगे, वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो रो जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, देखो यहाँ बोल रहा है कि इन द रो डिपेंडेंट टाइप ऑफ टर्मिनेशन प्रोटीन फैक्टर का रो डीस्टेबलाइजेस द इंटरेक्शन बिटवीन द टेम्पलेट एंड द एमआरएनए दस रिलीजिंग द न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए फ्रॉम द इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है इलोंगेशन को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से देखो, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे अटैक हो रहा है, देखो ये डीएनए सीक्वेंस है, इस डीएनए सीक्वेंस को यहाँ पे जो है दिखाया गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिखाया जा रहा है, इसे देखने की कोशिश करो, देखो दिस इज द प्रमोटर रीजन, ठीक है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है आकर के अटैच हुआ, ठीक है, और यही जो है यहाँ से जो है लेकर के यहाँ तक ये जो स्टेप दिखाई दे रहा है, जो डीएनए का जो लेंथ दिखाई दे रहा है, इसी लेंथ में जो है आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये टर्मिनेटर सीक्वेंस है और इसी टर्मिनेटर सीक्वेंस में जो है आकर के देखो, ये टर्मिनेटर सीक्वेंस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, टर्मिनेटर सीक्वेंस या टर्मिनेटर रीजन भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ प्रमोटर रीजन है वैसे यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन है। जैसे इस टर्मिनेटर रीजन पे जो है ये पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज तो ये इलोंगेट, अब देखो यहाँ पे ये इनिशिएशन को दिखा रहा है, यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बना, ये टेम्पलेट स्टैंड है, इस टेम्पलेट स्टैंड के अगेंस्ट जो है आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ, और ये अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए जो है आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये अनवाइंडिंग जो है आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये जो है आरएनए नए बनते चले जा रहे हैं, इलोंगेशन हो रहा है, और जैसे ही ये जो है आरएनए पॉलीमरेज इस ट्रांस जो है टर्मिनेटर रीजन तक पहुंचेगा, इसका जो है रो फैक्टर इसे रिकॉग्नाइज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा और जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा। ये जो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, ये आरएनए देखो यहाँ पे यही दिखा रहा है आपको, ठीक है, यहाँ ये सिग्मा फैक्टर जो है आरएनए के साथ पॉलीमरेज के साथ मिला हुआ है, ठीक है, प्रमोटर रीजन के साथ डीएनए हेलिक्स में आगे की तरफ बढ़ा है, ये स्टॉप सीक्वेंस है, जैसे ये स्टॉप सीक्वेंस पर पहुंचता है जो है ये आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया और सिंथेसाइज आरएनए अलग हो गया। जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ वो जो है
प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के नाम से जाना जाता है या हेट्रोजीनियस आरएनए के नाम से जाना जाता है। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या है? एक्चुअली प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हम इसलिए उसे बोलते हैं क्योंकि जो है वो एक नॉन फंक्शनल आरएनए होता है। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा हुआ था कि जो है डीएनए जो होता है, डीएनए के सीक्वेंसेस में जो है सारे के सारे डीएनए जो है वो नॉन वर्किंग वर्किंग डीएनए नहीं, कोड्स नहीं होते, उसमें नॉन वर्किंग पार्ट्स भी होते हैं जिसे हम इंट्रॉन और एक्सॉन के नाम से जानते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं इंट्रॉन क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है। तो एक्सॉन और इंट्रॉन की बात होती है जिसमें एक्सॉन जो है वर्किंग होता है और इंट्रॉन जो है नॉन वर्किंग होता है। तो उस इंट्रॉन को बाहर निकालना होता है। इसके अलावा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती है जिसमें तीन चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। पहला होता है एड ए कैप टू द थायमिन, एड ए पॉली ए टेल टू द थ्री लाइसिन एंड स्प्लिस आउट द इंट्रॉन्स। ये तीनों जो है हम आरएनए वर्ड जो है वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो उसमें हमने इन तीनों पर डिस्कशन किया था। फिर से हम यहाँ पे इन तीनों को देखते हैं। देखो यहाँ पे कैपिंग ऑफ आरएनए हो रहा है जो कि 5' पे होता है। कह रहा है कि एट द 5' ए स्लाइटली मॉडिफाइड ग्वानिन इज अटैच्ड बैकवर्ड बाय द 5', ठीक है, टू 5' लिंकेज। तो यहाँ पे जो है इस जो है इसके साथ जो है ये अटैच हो रहा है, ठीक है, ये कैपिंग हो रही है 5' to 5' पे, ठीक है। और इसके अलावा जो है 3' पे जो है पॉली ए सीक्वेंस का फॉर्मेशन होता है। तो पॉली ए भी हम बात कर चुके थे जो है उसमें आरएनए वर्ड में। तो 5' पे कैपिंग हुई और 3' पे जो है टेलिंग हुई। और इसके अलावा स्प्लिसिंग होती है या स्प्लाइसिंग भी कहते हैं उसे। स्प्लिसिंग में जो इंट्रॉन रीजंस होते हैं उन इंट्रॉन रीजंस को निकाला जाता है। देखो यहाँ पर ये इंट्रॉन स्प्लिसिंग को दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये जो है इंट्रॉन रीजन, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है और इस इंट्रॉन रीजन को जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। देखो यहाँ से ये कट गए, कट के ये अलग हो गया और ये जो है फर्दर जो है हमारा मैच्योर आरएनए जो बन गया, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर देखो ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये पीछे भी हमने आपको बताया था। देखो ये डीएनए है जो एक पर्टिकुलर जीन है जिसमें एक्सॉन 1 इंट्रॉन ए, एक्सॉन 2 इंट्रॉन बी, एक्सॉन 3 है। अब ध्यान दो एक्सॉन जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं या फंक्शनल होते हैं, इंट्रॉन जो है नॉन फंक्शनल होते हैं। तो जब प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बना या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना तो इसमें एक्सॉन की भी कॉपी हुई और इंट्रॉन की भी कॉपी हुई आरएनए के फॉर्म में ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे कैपिंग हो गई, 5' पर कैपिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो इंट्रॉन्स हैं ये ए एंड बी, ये जो दो इंट्रॉन दिखाई दे रहे हैं रेड का यहाँ पे इसी को येलो से दिखाया गया है। तो ये इंट्रॉन ए एंड इंट्रॉन बी को जो है स्प्लाइस्ड आउट कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 एंड एक्सॉन 3 ये तीनों एक साथ जुड़ गए, दिस इज द स्प्लाइसिंग। और इसके बाद जो है टेलिंग हो गई है 3' पर, पॉली ए आ गया। और फाइनली ये जो हमारा बना ये एक फंक्शनल मैसेंजर आरएनए है। ये हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है या हेट्रोजीनियस आरएनए है और ये जो है हमारा जो है फंक्शनल मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को शो करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे एचआईवी में होता है, इसके अलावा और भी कुछ जो है राइबो वायरसेस हैं जिनमें की राइबो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इंजीनियरिंग पाया जाता है, जिसके आधार पे वो अपने जो है आरएनए से जो है डीएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, ठीक है। तो आरएनए से डीएनए को जो है बनाना, सिंथेसाइज करना, उसे हम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है। तो एचआईवी में होता है जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है।